हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों तो काफ़ी समय के बाद दोस्तों एक और लीक्स और एक और फोटो जो है निकल के आई है रॉयल इनफील्ड हिमालयन 450 के बारे में। दोस्तों इसको जो है टेस्टिंग के दौरान फिर से जो है पकड़ लिया गया है और दोस्तों डेफिनेटली इस बार जो है इस ये पैन ईयर के साथ एडवेंचर पैन ईयर दोस्तों इसमें लगाए गए हैं। फुल ऑन जो है किट के साथ देखा गया है। दोस्तों अब तक जितने भी बार हमें इसके शॉट देखने को मिले थे, स्पाई शॉट दोस्तों देखने को मिले थे, वो सभी में दोस्तों पैन ईयर का कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन इस बार दोस्तों डेफिनेटली ये पैन ईयर के साथ देखी गई है बाइक। और मुझे लगता है कि ये जो टेस्टिंग वाली जो बाइक है ये एक लंबे टूर पर जा रही है टेस्ट करने के लिए। हो सकता है दोस्तों कि राइडर ने अपनी सुविधा के लिए भी लगाया हो, या हो सकता है कि कंपनी का ही एक ये डिसीजन हो कि नहीं हमें पैन ईयर के साथ भी इसे टेस्ट करना चाहिए। ओवरऑल दोस्तों ये एक ADV होने वाला है, एडवेंचर टूरर जो है ये होने वाला है। तो नो डाउट 450 का इंजन आपको काफ़ी बड़ा इंजन जो है प्रीवियस जनरेशन हिमालयन के साथ दोस्तों नहीं देखने को मिला, लेकिन इस बार दोस्तों 450 के साथ दोस्तों ये काफ़ी अच्छे से जो है टेस्ट करने वाले हैं। और दोस्तों इस बार जो है इसमें लिक्विड कूल का सिस्टम भी देखने को मिलेगा। तो नो डाउट रॉयल इनफील्ड की बाइक में पहली बार जो है लिक्विड कूल का इस्तेमाल किया गया है और इस बार कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, तो उस हिसाब से भी प्राइस बन सकती है। वीडियो के एंड में दोस्तों मैं डेफिनेटली इसका प्राइस आपको बता दूंगा कि कितने होगी और लॉन्च भी ये कब तक होगी मैं वीडियो के अंत तक बता दूंगा। उससे पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे कुछ नए सब्सक्राइबर हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये उनके नाम आ रहे होंगे। हम हर वीडियो में इसी तरह से अपने नए सब्सक्राइबर का नाम लेते रहते हैं। दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अगली वीडियो में दोस्तों आपका ही नाम अनाउंस हो जाएगा। दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी छोटी सी फैमिली को बड़ा कीजिएगा। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं रॉयल इनफील्ड हिमालयन 450 के बारे में। तो नो डाउट दोस्तों ये बाइक बहुत ही जल्द हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी जो रूमर आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं दोस्तों कि अभी ये बाइक जो है हमें इस साल देखने को नहीं मिलेगी, ये बाइक हमें 2023 में जो दोस्तों देखने को मिल सकती है। और तब तक दोस्तों मुझे नहीं लगता कि कंपनी जो है इतना वेट कराएगी। मुझे लगता है कि ये इस साल के शुरुआत में ही, मतलब अगले साल के शुरुआत में दोस्तों ये बाइक हमें देखने को मिल जाएगी। दोस्तों तो कुछ एसेसरीज़ के बारे में जो नोटिस हुआ है इस बाइक में, वो उन चीज़ों के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। तो नो डाउट दोस्तों इसमें पैन ईयर का इस्तेमाल किया गया है, तीनों पैन ईयर आप देख सकते हैं, टॉप बॉक्स और साइड में भी आपको दे रखे हैं दोस्तों। तो उनका भी दोस्तों ये टेस्ट हो रहा है एक तरीके से। और दोस्तों इसमें जो है एसेसरीज़ के नाम पर अभी कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया गया है सिवाय दोस्तों पैन ईयर के अलावा। और अगर आप थोड़ी सी नीचे देखेंगे दोस्तों इसमें जो स्टॉप लाइट है दोस्तों वो आपको इंडिकेटर के साथ ही इंडिविजुअल देखने को मिल रही है दोस्तों। और इसमें राइट और लेफ्ट में जो इंडिकेटर होगा दोस्तों वो भी इसी के अंदर ही, वो इस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं कि इसी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ रहने वाली है इस चीज़ों के बारे में। और इसका एग्जॉस्ट साइज़ भी छोटा होने वाला है और इसका फ्यूल टैंक दोस्तों बड़ा देखने को मिलेगा। 450 सीसी का सिलेंडर का इंजन है तो नो डाउट इसमें जो है हमें फ्यूल टैंक बड़ा ही देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो ये कुछ इनके जो है लीक्स अभी आए हैं रॉयल इनफील्ड 450 के बारे में। अभी आगे जो भी लीक्स आएंगे मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा आने वाली वीडियो में दोस्तों। तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम एक नई वीडियो बना पाएँ और आप तक जो है एक नई वीडियो पहुँच पाए दोस्तों। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम।